दोस्तों हम सभी बचपन से ही डोरीमोन कार्टून देखते आए हैं। अगर बचपन में हमारा कोई फेवरेट कार्टून था तो वह डोरीमोन ही है। लेकिन बचपन से लेकर आज तक हमारे दिमाग में एक ही सवाल उठता है कि क्या डोरीमोन अभी भी रियल में जिंदा है या फिर मर चुका है। इसके साथ ही कई लोगों का यह भी कहना है कि डोरीमोन पहले जिंदा हुआ करता था, लेकिन अभी कई साल पहले डोरीमोन की मौत हो चुकी है, जो काफी मिस्ट्री वाली स्टोरी बनी हुई है। लेकिन आज मैं डोरीमोन की इस मिस्ट्री से पर्दा उठा दूंगा। साथ ही मैं आपको ऐसे ऐसे सबूत दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपको साफ पता चल जाएगा कि डोरीमोन की अभी मौत हो चुकी है। और साथ ही आज मैं आपको नोबिता और शिज़ुका की शादी के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन गाइज वो स्टोरी जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी और आपकी ये जो बॉन्ड है डोरीमोन के साथ ठीक वैसे ही जुड़ी है जैसे कि बचपन में जुड़ी हुआ करती थी। तो चलो गाइज वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन ये कहानी नोबिता से शुरू होगी और साथ ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दरअसल एक बार जब नोबिता अपने स्कूल से घर आता तो हमेशा की तरह इस बार भी वो जियान से पिटकर ही आता है। नोबिता सीधा अपने घर आता है तो डोरीमोन के पास जाता है ताकि डोरीमोन की मदद से वो जियान से फिर से बदला ले सके। इसके बाद नोबिता सीधा अपने कमरे के अंदर जाता है तो तभी नोबिता देखता है कि डोरीमोन तो जमीन पर नीचे गिरा पड़ा हुआ है, जिसे देखने के बाद नोबिता काफी ज्यादा हैरान होता है और डोरीमोन को काफी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डोरीमोन नहीं उठता है। काफी कोशिश करने के बाद नोबिता अपना टाइम टेलीविजन निकालता है जिसकी मदद से वह डोरीमोन की बहन डोरीमी को बुलाता है। डोरीमी आकर डोरीमोन को जब चेक करती है तो उसे साफ पता चल जाता है कि डोरीमोन की बैटरी खराब हो चुकी है। इसके बाद डोरीमी नोबिता को समझाती है कि डोरीमोन की बैटरी पूरी तरह से खराब हो गई है, जिसके बाद डोरीमोन कभी नहीं उठ सकेगा। ये सुनते ही नोबिता काफी जोर जोर से रोने लग जाता है। ये सब देखने के बाद डोरीमी फिर से नोबिता को समझाने की कोशिश करती है और नोबिता को कहती है कि डोरीमोन फिर से ठीक हो सकता है अगर कोई रोबोट बनाने वाला इंजीनियर फिर से डोरीमोन की नई बैटरी बना दे और डोरीमोन में लगा दे तो डोरीमोन फिर से पहले जैसा ठीक हो सकता है। डोरीमी की ये बात सुनने के बाद नोबिता चुप हो जाता है और साथ ही पूरे दिल से पढ़ाई करने लग जाता है ताकि वह एक रोबोटिक इंजीनियर बन सके और आने वाले फ्यूचर में डोरीमोन की बैटरी बनाकर डोरीमोन को फिर से पहले जैसे ठीक कर सके। इसी तरह धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं। नोबिता और उसके सभी दोस्त बड़े हो जाते हैं। नोबिता अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेता और नोबिता अपने कॉलेज के दिनों में शिज़ुका को शादी करने के लिए प्रपोज करता है, लेकिन शिज़ुका उससे कुछ वक्त मांगती है ताकि इस बारे में वह कुछ सोच सके। काफी साल हो जाने के बाद अब जियान भी एक अमीर बिजनेसमैन बन जाता और साथ ही नोबिता के सभी दोस्त अच्छी नौकरी करने लग जाते हैं। लेकिन नोबिता अभी भी उसी ख्याल में खोया होता है कि डोरीमोन को किस प्रकार ठीक किया जा सके और नोबिता अपना अधिकतर समय डोरीमोन की बैटरी बनाने में गुजार देता है। दरअसल नोबिता किसी भी हालत में डोरीमोन को वापस लाना चाहता था, लेकिन नोबिता अभी भी वैसा ही चंचल स्वभाव का बना हुआ था। साथ ही शिज़ुका भी नोबिता को पसंद करने लग जाती है। एक दिन शिज़ुका अपने माँ बाप के घर जाती है जो कि काफी बूढ़े हो चुके होते हैं। शिज़ुका अपने माँ बाप को नोबिता के बारे में बताती है और कहती है कि नोबिता उससे शादी करना चाहता है। तो शिज़ुका के माता पिता कहते हैं कि नोबिता के जैसा नेक और साफ दिल वाला इंसान उसको कहीं नहीं मिलेगा। शिज़ुका के माता पिता नोबिता से शादी करने के लिए शिज़ुका को परमिशन दे देते हैं। इतना सुनते ही शिज़ुका काफी ज्यादा खुश होती है और शिज़ुका बिना कोई देरी किए फौरन नोबिता को शादी के लिए हाँ कर देती है। दरअसल इसी के कुछ दिनों बाद नोबिता और शिज़ुका की आपस में शादी हो जाती है और दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुशी से रहते हैं। एक दिन शिज़ुका नोबिता को कॉफी देने के लिए आती, तभी शिज़ुका देखती है कि नोबिता कुछ रिपेयर कर रहा है। तभी नोबिता चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कर दिखाया। दरअसल नोबिता इसलिए चिल्ला रहा होता है कि उसने डोरीमोन को फिर से ठीक कर दिया था, जो कि डोरीमोन काफी सालों से मरा पड़ा हुआ था। इसके बाद जब डोरीमोन उठता है तो सबसे पहले वो नोबिता को पूछता है कि उसने होमवर्क किया है या नहीं। डोरीमोन की ये बात सुनने के बाद शिज़ुका और नोबिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों काफी टाइट डोरीमोन को हग करते हैं, जिसके बाद वो दोनों डोरीमोन को सब कुछ समझाते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। इसके बाद डोरीमोन फिर से पहले जैसा ठीक हो जाता है और साथ ही इस कहानी से हमें ये भी पता चल जाता है कि डोरीमोन की मौत नहीं हुई है, बल्कि डोरीमोन आज भी जिंदा है। डोरीमोन के ठीक होने के बाद काफी साल गुजर जाते हैं। तब शिज़ुका और नोबिता जॉब करने लग जाते हैं तो डोरीमोन उनके दोनों बच्चों को संभालने लग जाता है।